राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, बताइए, सवाल करिए। मैं राजेश है। राजेश, हाँ जी राजेश जी। हाँ जी मैम, मेरे ना पेट में कब्ज रहती है, कम से कम 20 साल हो गए इस बात को, और मेरे अपेंडिक्स का हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन मेरे दर्द अभी भी हर्निया की जगह अभी भी बना हुआ है। आपकी उम्र और कितनी है? 44 ठीक है, मैम, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता, बैठ के उठा नहीं जाता, मतलब टॉयलेट में बैठ नहीं पाता ढंग से, इसकी वजह से दर्द पैरों में जान नहीं है और हाथ कमर में दर्द रहता है बहुत। ठीक है बेटा, तो देखिए गौर से सुनिए और लिख लीजिए। आप मेरे ये नुस्खा लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए ये जो है ना, मेथी 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, इसका पाउडर बना के रखें एक डिब्बे में भर के। ज़्यादा सा बना लें क्योंकि आपको 2-3 महीने खाना है इसको। मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, इस रेशो से। अगर जैसे मेथी 200 ग्राम लें तो धनिया 400 ग्राम लेना। इसका पाउडर बना के रखें। और एक आता है नमक जैतून, और एक आता है गौन स्याह, काला गौन। ये दोनों चीज़ें असली लेना, बहुत नकली मिलते हैं। इनको पाउडर, एक तो पाउडर ही है, नमक जैतून तो एक पाउडर ही है, और गौंद स्याह एक गौंद है जो काले रंग का होता है, काला गौंद भी कहते हैं। इन दोनों को अलग अलग रखिए पाउडर बना के, और 2 चुटकी इसमें डालिए। जो पाउडर आपका मेथी और धनिया का है, 2 चुटकी इसमें मिलाइए, 1 चम्मच में नमक जैतून और 2 चुटकी गौंद स्याह मिलाइए। इसे आप सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ लिया करें, आपके सारे रोगों का निवारण मुमकिन है।